नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स पे। और आज हम बात करेंगे फार्माक्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 1 का जो पार्ट 3 है, साइज सेपरेशन के बारे में। पहला पार्ट हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, सेकंड पार्ट था साइज रिडक्शन, और अब आता है साइज सेपरेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि साइज सेपरेशन होता क्या है। साइज सेपरेशन को हम बोलते हैं सीविंग, शिफ्टिंग या फिर स्क्रीनिंग। और जो साइज सेपरेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिसमें हम लार्ज साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं स्मॉल साइज के पार्टिकल्स से। एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक कोई बड़ा पत्थर है, हमने उसे ब्रेक किया तो वो सेम साइज के पार्टिकल्स में तो ब्रेक होगा नहीं, या तो वो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स में ब्रेक होगा और लार्ज साइज के पार्टिकल्स में भी। तो हम जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उन्हें अलग रख लें और लार्ज पार्टिकल्स को अलग रख लें, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे साइज सेपरेशन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज सेपरेशन। तो पहला है प्रिपेयर करने के लिए ग्रैन्यूल्स, क्योंकि उनकी अच्छी फ्लोएबिलिटी होती है। सेपरेट करने के लिए अनडिजायरेबल पार्टिकल्स यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस को, साइज सेपरेशन को। और मेज़र करने के लिए पार्टिकल साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स की, जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं साइज रिडक्शन करने के लिए, साइज सेपरेशन करने के लिए। और यूनिफॉर्म डोसेज फॉर्म्स प्रिपेयर करने के लिए, और कैप्सूल्स जब हम फिल करते हैं तो जो पार्टिकल साइज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कि सेम होना चाहिए। कोई लार्ज साइज का पार्टिकल और छोटे साइज का पार्टिकल होगा, अगर साइज उनका डिफरेंट डिफरेंट होगा तो फ्लोएबिलिटी नहीं आएगी और जो हमारी जो डोसेज फॉर्म है वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। जो मैकेनिज्म होता है साइज सेपरेशन का, उसमें तीन प्रोसेस होते हैं, एजिटेशन, ब्रशिंग और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एजिटेशन के अंदर तीन प्रोसेस आते हैं, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और गायरेशन। तो पहला पढ़ते हैं एजिटेशन। एजिटेशन में जो सीव्स होती हैं हम उसे एजिटेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। सीव्स को आप समझ सकते हैं जैसे कि छाननी आपके घरों में होती है, आटा छानते हैं जिससे। तो पहला आता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में क्या होता है, हमारे पास एक छाननी होती है, सीव होती है, जिसके ऊपर हम अपना जो भी मटेरियल है उसे हम रखते हैं और उसे हम ऑसिलेट करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से साइज सेपरेशन हो जाता है। जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो सीव के अंदर से निकल के नीचे गिर जाते हैं और जो लार्ज होते हैं वो उसके ऊपर रह जाते हैं। नेक्स्ट है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इस मेथड में जो सीव होती है उसे हम अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव ना करके राइट और लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, जिसकी वजह से भी साइज सेपरेशन हो जाता है। नेक्स्ट है गायरेशन। इस मेथड में जो सीव होती है ना ही हम उसे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हैं ना ही लेफ्ट और राइट, हम उसे या तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, और जो साइज सेपरेशन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड आता है ब्रशिंग मेथड। इस मेथड में हम एक सीव लेते हैं, उसके ऊपर अपना जो भी मटेरियल है जिसका हमें साइज सेपरेशन करना है उसे रख देते हैं, और एक ब्रश को ब्रश की हेल्प से हम उसे मूव कराते हैं। हम ना ही सीव को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड, या फिर राइट और लेफ्ट, हम बस ब्रश की हेल्प से उस मटेरियल को मूव करेंगे। नेक्स्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। इस मेथड में हम एक सीव लेते हैं और उसे फिक्स कर देते हैं मोटर के ऊपर, जो मोटर है फिर उसे रोटेट कराते हैं, और जब वो रोटेट करती है तो एक प्रेशर डेवलप होता है जिसकी हेल्प से जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो पास में ही गिर जाते हैं और जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं, तो साइज सेपरेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर्स। सीविंग मेथड में वो पार्टिकल्स जब हम साइज सेपरेशन कर रहे होते हैं, जो हमारी छाननी के अंदर जो हमारी सीव के ऊपर ही रह जाते हैं जो लार्ज साइज के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओवर साइज, और जो उसमें से पास होकर नीचे गिर जाते हैं हम उसे बोलते हैं अंडर साइज। जो पाउडर्स होते हैं उन्हें क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट टाइप्स में। पहला आता है कोर्स पाउडर। ये वो पाउडर्स होते हैं जो 100% पास कर जाते हैं सीव नंबर 10 से,
और 40% पास करते हैं सीव नंबर 44 से, तो इसे 10/44 पाउडर भी कहते हैं। नेक्स्ट है मॉडरेटली कोर्स पाउडर। ये वो पाउडर्स होते हैं जो पूरी तरीके से पास कर जाते हैं सीव नंबर 22 से, और 40% पास कर जाते हैं सीव नंबर 60 से, इसे 20/60 पाउडर बोलते हैं। नेक्स्ट है मॉडरेटली फाइन पाउडर। ये वो पाउडर्स होते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सीव नंबर 44 से कम्प्लीटली पास कर जाते हैं, और 40% पास करते हैं सीव नंबर 85 से, 40/85 पाउडर इसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है फाइन पाउडर। ये वो पाउडर होता है जिसमें सारे पार्टिकल्स कम्प्लीटली पास कर जाते हैं सीव नंबर 85 से, और लास्ट है वेरी फाइन पाउडर जिसमें सारे पार्टिकल्स पास कर जाते हैं सीव नंबर 120 से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीव्स। सीव्स जैसा कि आपको पता ही है हम छाननी को कहते हैं जिसे हम साइज सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। सीव में अ नंबर ऑफ होल्स होते हैं, काफ़ी सारे होल्स होते हैं जिसे हम मैशिस भी बोलते हैं, और हर एक इंच की दूरी पे या फिर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि किस मटेरियल को हम यूज़ करके सीव्स को फॉर्म कर सकते हैं। जनरली आयरन वायर को हम यूज़ करते हैं, पर वो चीप तो होता है लेकिन उसका कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि उसमें जंग लग जाती है, कोरोसिव नेचर होता है और कॉन्टामिनेट कर सकता है वो हमारे मटेरियल को। ये जो नुकसान होता है हम इसे होने से रोक सकते हैं अगर हम कोटिंग कर दें हमारे आयरन वायर के ऊपर गैल्वेनाइजिंग एजेंट की। नेक्स्ट जैसे हम ब्रास, फॉस्फर, ब्रोंज या स्टेनलेस स्टील को भी यूज़ कर सकते हैं सीव्स प्रिपेयर करने के लिए। वो ना ही कोरोजन शो करती हैं ना, और गुड स्ट्रेंथ भी होती है उनकी, और कॉन्टामिनेट भी नहीं होती। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव। जो होल्स होते हैं स्क्रीन में उसे हम मैश बोलते हैं। स्क्रीन का मतलब है वो जो हमारी सीव है, स्क्रीन जो उसका अपवर्ड पार्ट होता है जितने एरिया में हम अपने मटेरियल को सीव करते हैं। जितने भी होल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैश। और मैश नंबर क्या होता है, मतलब कि नंबर ऑफ होल्स जो एक इंच लेंथ के अंदर हैं, जैसे 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी। फिर आता है स्क्रीन नंबर, मतलब नंबर ऑफ मैशेस, मतलब कि होल्स जो 25.4 mm लेंथ के अंदर हैं। कुछ कॉमन स्टैंडर्ड सीव्स यूज करी जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो देखते हैं। पहली होती है टाइलर स्टैंडर्ड सीव सीरीज़, इसे USA में यूज़ किया जाता है। US स्टैंडर्ड सीव सीरीज़, इसे भी USA में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जर्मनी DIN, इसे यूरोप और जर्मनी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है FSS, फ्रेंच स्टैंडर्ड सीव, फ्रेंच में यूज़ करते हैं इसे, फ्रांस में। और IP स्टैंडर्ड सीव सीरीज़, इंडिया में यूज़ करते हैं इसे। और इंटरनेशनल टेस्ट सीव सीरीज़, इसे पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीव सेकर्स। जो प्रिंसिपल होता है जिस पे ये वर्क करते हैं वो ये है कि हम बहुत सारी सीव्स को अरेंज्ड कर देते हैं इस मैनर में कि वो ऑक्सीलेट करती रहें कंटिन्यूसली रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, जिस और जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली सेपरेट हो जाएं। तो आइए कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मेटल फ्रेम होता है। जो मेटल फ्रेम होता है उसमें हम फिक्स कर देते हैं अपनी सीव्स को, या हम स्क्रीन्स भी कह सकते हैं। और ये जो हमारी सीव्स होती हैं इन्हें इस तरीके से अरेंज्ड किया जाता है कि सबसे ऊपर वो सीव रहेगी जिसके जो होल्स हैं वो सबसे ज़्यादा लार्ज साइज़ के हों, और सबसे नीचे वो सीव रहेगी जिसके होल्स सबसे छोटे हों। तो इस तरह से हम सीव्स को अरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग। जो सीव्स होती हैं उसे हम फिक्स्ड कर देते हैं सबसे पहले तो मेटल फ्रेम में अरेंज कर दिए जाते हैं। और जैसा कि ऑर्डर बता ही दिया था, सबसे ऊपर वो सीव रहेगी जिसके होल्स ज़्यादा लार्ज साइज़ के हैं, और सबसे नीचे वो जिसके स्मॉल साइज़ के होल्स हैं। 6 से 8 सीव्स रहती हैं इस पूरे सीव शेकर में।
और जो सबसे ऊपर वाली सीव होती है उसके ऊपर हम मटेरियल अपना रख देते हैं जिसे हम साइज सेपरेट करना चाहते हैं, और सीव सेट को क्लोज करते हैं और मैकेनिकल शेकर के ऊपर उसे हम रख देते हैं जो उसे कंटिन्यूअसली मूवमेंट प्रोवाइड कराता रहता है। फिर जो हमारा सीव शेकर है वो स्टार्ट करता है मूव करना, 20 मिनट तक हम उसे मूव कराते हैं, उसके बाद उसे रोक देते हैं। और जो हमारी सीव्स हैं हर सीव के ऊपर जो भी पाउडर है हमारा, जो भी मटेरियल है जो उसके ऊपर जमा हुआ है उसे वहाँ से निकाल के और उसका वेट मेज़र कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज तो ये है कि पावर रिक्वायरमेंट कम होती है इसमें, कम एनर्जी लॉस होता है, इनएक्सपेंसिव होता है और इजीली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस होते हैं जब हम शेक कर रहे होते हैं तो एट्रिशन भी हो सकता है। एट्रिशन का मतलब है कभी कभी जो हमारी सीव हैं वो हम डिफरेंट गलत मैनर में उसे हम अरेंज कर दें, अगर तो स्मॉल साइज़ के ऊपर कर दें, लार्ज साइज़ के नीचे कर दें, तो नीचे जो पार्टिकल साइज़ है वो तो जो नीचे वाली सीव है उसमें जो हमारे मटेरियल के पार्टिकल्स हैं वो आके उसमें जमा ही नहीं हो पाएंगे, वो ऊपर ही रह जाएंगे सारे, तो इसीलिए साइज़ सेपरेट हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट है चांसेस ऑफ क्लोगिंग, अगर हमारा पाउडर ड्राई है तो, मतलब अगर हमारा पाउडर अगर पूरी तरीके से सूखा हुआ नहीं है, अगर ड्राई है तो वो हमारे जो सीव है उसके अंदर जो होल्स होते हैं, मैशेस होते हैं, उसे क्लॉक कर लेगा, वो बंद हो जाएंगे जिसकी वजह से साइज सेपरेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइक्लोन सेपरेटर, जिसमें प्रिंसिपल होता है, जो साइक्लोन सेपरेटर होता है उसे यूज़ करते हैं सबसे पहले तो हम सॉलिड्स को फ्लूइड्स से सेपरेट करने के लिए। और जो प्रिंसिपल होता है जिस पे साइक्लोन सेपरेटर वर्क करता है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट है इसका कंस्ट्रक्शन, इसमें एक साइलेंड्रिकल वेसल होता है जिसका जो बेस होता है वो कोन शेप का होता है, और जो अपर पोर्शन होता है वेसल का उसमें एक टेंजेंशियल इनलेट हम अटैच करके रखते हैं, और जो सॉलिड आउटलेट होता है वो उसके बेस पे होता है, और जो एयर आउटलेट होता है जहाँ से एयर रिमूव्ड आउट होगी वो उसके टॉप पे होता है, और उसे इनवर्ड तक जो हमारा एयर आउटलेट होता है उसे बिल्कुल इनवर्ड तक हम एक्सटेंड करके रखते हैं ताकि शॉर्ट सर्किटिंग ना हो इनलेट और आउटलेट के बीच में। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास एक टेंजेंशियल इनलेट है जहाँ से हमने वो सॉलिड्स जो गैस के साथ मिले हुए हैं, मिक्स हैं, उसे हमने इधर से हमारे वेसल के अंदर भेजा है, और ऊपर की साइड है एयर आउटलेट जहाँ से एयर पास आउट होगी, और नीचे है सॉलिड आउटलेट जहाँ से सॉलिड पास आउट होगा। नेक्स्ट है वर्किंग, जब हम सॉलिड जो कि एयर के साथ सस्पेंडेड है मतलब मिले हुए हैं उन्हें हम टेंजेंशियल इनलेट से हम अपने वेसल के अंदर भेजते हैं, और एक हाई स्पीड रोटेटरी मोशन हम अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से एक वॉर्टेक्स फॉर्म होता है। वॉर्टेक्स यानी कि हम बवंडर भी कह सकते हैं एक टाइप का, जो किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट करता रहता है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होती है हमारे वेसल के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स को थ्रो करती है नीचे की साइड, और सॉलिड आउटलेट पे वो आके कलेक्ट हो जाते हैं, और जो एयर होती है वो एयर आउटलेट से रिमूव्ड आउट हो जाती है, तो इस तरह हम सेपरेट। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस, एक तो इनएक्सपेंसिव होता है इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेन इसे हम इजीली कर सकते हैं, और हाई एफिशिएंसी होती है, 5 से 200 माइक्रोन साइज़ के पार्टिकल्स को भी ये इजीली सेपरेट कर सकता है, और जो पार्ट्स होते हैं इसके वो मूव नहीं करते रहते जिसकी वजह से वेयर और टीयर प्रोड्यूस नहीं होता और एनर्जी का लॉस नहीं होता। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे हम विस्कस फ्लो जो होता है, अगर सॉलिड्स और विस्कस फ्लूइड जो है
वो आपस में सस्पेंडेड है तो हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। और दूसरा डिसएडवांटेज है कि क्लॉगिंग यहाँ पे हो जाती है डस्ट पार्टिकल्स की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एयर सेपरेटर। प्रिंसिपल जो होता है इसका वो सेम होता है साइक्लोन सेपरेटर की तरह, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो एयर सेपरेटर होता है उसका उसमें एक साइलेंड्रिकल वेसल प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर वाले पार्ट पे, मतलब टॉप मोस्ट पार्ट पे फीड इनलेट प्रेजेंट होता है और इसके सेंटर पे रोटेटिंग डिस्क होती है और रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं जो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और जो बेस होता है उधर दो आउटलेट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे दो आउटलेट्स हैं, एक फाइन पाउडर्स के लिए है और एक कोर्स या फिर हैवी पार्टिकल्स आप बोल सकते हैं उसके रिमूव्ड आउट होने के लिए है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्किंग। सबसे पहले जो हमारा पाउडर होता है या फिर जो मटेरियल होता है जिसका हमें साइज सेपरेशन करना है, उसे हम एयर सेपरेटर के अंदर फीड इनलेट से डालते हैं उसके अंदर। फिर जो हमारा मटेरियल है वो उसके सेंटर तक पहुंचता है जहाँ पे रोटेटिंग डिस्क और रोटेटिंग ब्लेड्स प्रेजेंट होते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से वो एक एयर जेट प्रोड्यूस करते हैं जो कॉज करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मेशन। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है उसकी हेल्प से जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि फाइन पाउडर्स होते हैं, जो वो फाइन पाउडर आउटलेट से रिमूव्ड आउट हो जाते हैं और जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं और जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं, हम कोर साइज पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं उन्हें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो हैवी पार्टिकल आउटलेट से रिमूव्ड आउट हो जाते हैं। अब देखते हैं इनके एडवांटेजेस। इजी इंस्टॉलेशन, रोटर स्पीड इज एडजस्टेबल और हाई प्रोडक्ट कैपेसिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैक फिल्टर, जिसका प्रिंसिपल होता है जो ये कि जो सेपरेशन होता है यहाँ पे दो स्टेजेस में परफॉर्म होता है। पहली स्टेज तो वो होती है जिसमें गैस और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हमारे जो मटेरियल होता है, वो दोनों आपस में सस्पेंडेड होते हैं, उन्हें पास्ट किया जाता है एक बैग से जो कि क्लोथ का बना हुआ होता है और सक्शन पंप अप्लाई किया जाता है जिसकी हेल्प से सेपरेशन हो जाता है। और जो हमारा मटेरियल है वो इस बैग के अंदर कलेक्ट हो जाता है और जो गैस है वो रिमूव्ड आउट हो जाती है। और नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा बैग है जिसके अंदर मटेरियल हमारा प्रेजेंट है, उसे हम प्रेशर अप्लाई करके शेक करते हैं जिसकी वजह से जो हमारा मटेरियल है जो सेपरेट हो चुका है वो पाउडर की फॉर्म में बैग से नीचे गिरता है जिसे हम कलेक्ट कर लेते हैं उसके बेस पे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले बैग प्रेजेंट होता है जो कि कॉटन या फिर वूल फैब्रिक का बना हुआ होता है, उसे मेटल कंटेनर में अप्लाई करके रखा जाता है। बॉटम पोर्शन जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें एक होपर अरेंज्ड किया जाता है जहाँ से हम जो हमारा गैस और मटेरियल है दोनों सस्पेंडेड हैं, दोनों आपस साथ में मिले हुए हैं उस फॉर्म में, उसे अंदर भेजा जाता है। और जो बेल क्रैंक लेवर होता है उसे भी अरेंज्ड हम करके रखते हैं जो वेसल के टॉप पे अरेंज्ड होता है, क्योंकि उसका फिल्टरिंग एक्शन होता है वो शेक करने के टाइम पे जो सेकंड स्टेप होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे जो बैग है उसे शेक करने में। जैसे कि आप ये डायग्राम को देख सकते हैं, सबसे पहला ए पार्ट का डायग्राम है फिल्टरिंग पीरियड का, जहाँ पे हमने फिल्टर कर लिया है, जो गैस है वो सेपरेट आउट हो गई है और जो मटेरियल है हमारा वो बैग के अंदर फिल्टर हो चुका है। सेंटर में आप फिल्टर बैग देख सकते हैं और बेस पे डस्ट होपर है जहाँ से हम गैस विथ मटेरियल उसे हम अपने इस मशीन के अंदर उसे अप्लाई करेंगे। और साइड में है मेटल कंटेनर, ऊपर है बेल क्रैंक लीवर जिसका
सेकेंड स्टेप में मतलब शेकिंग पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल रोल होता है। तो आइए देखते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग में पहला पार्ट होता है फिल्टरिंग पीरियड। इस पीरियड में जो गैस होता है और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं साथ में उन्हें डस्ट होपर से एंटर कराया जाता है बैग फिल्टर में, और जब वो एंटर कर जाते हैं बैग फिल्टर में तो जो वैक्यूम फैन है अंदर वो प्रोड्यूस करता है एक प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करता है एपरेटर, और इस प्रेशर की हेल्प से जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं बैग के अंदर और जो गैस होती है वो रिमूव्ड आउट हो जाती है। नेक्स्ट है शेकिंग पीरियड। इस पीरियड में जो बेल क्रैंक लेवर होता है जो हमने शेकिंग पीरियड में जो हमारा ये जो बैग फिल्टर है इसके ऊपर हमने अप्लाई कर रखा था उसका यहाँ पे काम आता है, वो सबसे पहले रोटेट होता है और पोजीशन चेंज कर देता है डैम्पर की। डैम्पर की पोजीशन चेंज हो जाती है तो जो बाहर की एयर होती है एटमॉस्फेरिक एयर वो एंटर करने लग जाती है हमारे मशीन के अंदर, जिसकी वजह से जो अंदर वैक्यूम होता है वो ब्रेक हो जाता है और जो हमारा बैग होता है उसमें शेकिंग होती है और जर्किंग होती है, जिसकी वजह से जो हमारा मटेरियल था जो पार्टिकल सेपरेट हो चुके थे वो बैग के अंदर प्रेजेंट थे, बैग में मूवमेंट होने की वजह से वो वहाँ से निकलने चालू हो जाते हैं वो पार्टिकल्स, और हम बेस में जो नीचे प्रोडक्ट डिस्चार्ज है हम वहाँ से उसे रिमूव्ड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज तो ये क्योंकि ये काफ़ी एफिशिएंट प्रोसेस होता है 99% ये साइज सेपरेशन कर देता है और इजीली हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, यूज़ भी इसे इजीली कर सकते हैं और कॉस्ट भी कम होती है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसे फ्रिक्वेंटली क्लीन करना पड़ता है और इसकी लो एयर टू क्लॉथ रेशियो होती है। नेक्स्ट है एल्यूट्रेशन मेथड, जिसमें हम सेपरेट करते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स को उनके साइज़ के बेसिस पे और शेप और डेंसिटी के बेसिस पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है गैस का या फिर लिक्विड का हम बोल सकते हैं, जो फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन में सेडिमेंटेशन के। सेडिमेंटेशन मतलब कि लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स जो नीचे बैठ जाते हैं उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सबसे नीचे है कोर्स पार्टिकल्स जो लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स हैं जो सेडिमेंट की फॉर्म में नीचे बैठ चुके हैं, और ऊपर है फ्लूइड और फाइन पार्टिकल्स। जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो फ्लूइड के साथ या गैस भी ले सकते हैं, गैस के साथ वो फ्लो होते होते बाहर चले जाते हैं और लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे ही रह जाते हैं, इसी तरह ये सेपरेट हो जाते हैं। फिर जो एपरेटस होता है उसमें एक वर्टिकल कॉलम होता है, एक सस्पेंशन होता है सॉलिड का, उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है इसमें, जैसे कि नीचे बॉटम जो होता है उधर ही प्रेजेंट होता है ये। एक आउटलेट भी होता है कोर्स पार्टिकल्स का बेस में जहाँ पे लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स कलेक्ट होते हैं। जो फ्लूइड होता है और फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप जो पार्ट होता है वहाँ से वो रिमूव्ड आउट हो जाते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की हेल्प से। जो फ्लूइड और फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर से रिमूव्ड आउट हो जाते हैं और जो कोर्स या फिर हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जमा हो जाते हैं, तो इस तरह साइज सेपरेशन हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।